नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। रामपुर पहुंचे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 610 करोड़ रुपए की 84 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री का किया फूल मालाओं से साथ जोरदार स्वागत। योगी आदित्यनाथ रामपुर के फिजिकल ग्राउंड में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। करोड़ों रुपयों की रामपुर वासियों को दी सौगात। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, सांसद घनश्याम सिंह लोधी, अपना दल से स्वार विधायक शफीक अहमद अंसारी तथा भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए फिजिकल ग्राउंड में लोगों का लगा हुजूम। ये देखिए, शिलापटों से अनावरण हटता हुआ और ये शिलापट मंच के बाईं तरफ हमारे लगे हुए और बहुत सारी बधाइयां होली के त्योहार के पहले परम आदरणीय देश श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से जनपद रामपुर को उपहार स्वरूप भेंट। और इसके पश्चात जैसा कि हम सभी जानते हैं, विभिन्न जन कल्याणकारी विकास योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान की जाती है, जिसके लिए एक बार पुनः सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए, नमन करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर उनको सम्मानित करें। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से हमारी सरोज श्रीमती लतेश, आपको 33 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। RF 3 करोड़, CIF 21 करोड़ और CCL 8 करोड़ रुपए। इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से श्रीमती फिरदौस, आप विद्युत सखी और लखपति दीदी के रूप में जानी जाती हैं, आपको सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां फिरदौस जी के लिए। राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन के तहत श्रीमती बैनास जरी पेचवर के लिए आप जानी जाती हैं, सम्मान पत्र देकर आपको सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। PFEGP विपुल गुप्ता जी, फ्लाई एज ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, आपको डेमो चेक 50 लाख रुपए का दिया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है। इसके पश्चात श्रीमती अनीता चौहान, रेडको खेतान इंडस्ट्रीज, रामपुर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सम्मान पत्र देकर आपको सम्मानित किया जाता है श्रीमती अनीता चौहान। और इसके पश्चात निवेशक के रूप में श्री संचित गुप्ता जी, स्वाति कैंपर एंड एलायंस केमिकल्स, निवेश 60 करोड़ रुपए का किया, आपको सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाता है संचित गुप्ता जी। इसके पश्चात विपिन कुमार जी, ईगो ऑर्गेनिक मेथा तथा संबंध उत्पाद हेतु आपने 20 करोड़ रुपए का निवेश किया, सम्मान पत्र देकर आपको सम्मानित किया जाता है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अनुज भारद्वाज जी, श्री एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग प्रेस युवा उद्यमी, आपने 25 लाख रुपए का निवेश किया, आपको डेमो चेक 25 लाख रुपए की धनराशि देकर नवाचार के कार्य के अंतर्गत ग्राम प्रधान धमौरा श्री गौतम गुप्ता जी, प्रदेश का प्रथम ग्रामीण शॉपिंग मॉल का निर्माण किया, सम्मान पत्र देकर आपको सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियां रामपुर के लिए। ग्राम प्रधान धनियापुर श्रीमती निरंजना देवी, प्रदेश का प्रथम सरस हॉट और जायका ए रामपुर ढाबा का निर्माण किया आपने, आपको सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। सभी लाभार्थियों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत और हार्दिक आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय कहीं पे IIT बन रहे हैं, कहीं पे यूनिटी मॉल और प्रगति मॉल बन रहा है, कहीं PM स्वनिधि योजना में वहां पे स्ट्रीट वेंडर के व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, कहीं सरस मेला के लिए हॉट बनाए जा रहे हैं। ये सभी नई पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए एक नई पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं और विकास किसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज पूरे देशवासी आज इसी बात को कहते हैं, एक ही आवाज है पूरे देश में कि हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको विकसित होने से वंचित नहीं कर सकती है, कोई ताकत आपको वंचित नहीं कर सकती है। और उसी परिकल्पना के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, आज क्या नहीं है हमारे पास, ये उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले क्या होता था, कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज हम कह सकते हैं नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा, है ना।
आज तो सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं ना। अब तो नहीं कोई दंगा फसाद है, कोई अराजकता है, कोई गुंडागर्दी है, कोई गुंडा नहीं, कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसको दबोच डालेगा वहीं पे। हमारा अन्नदाता किसान देखो ना, अन्नदाता किसान पहले उसको बिजली मिलती नहीं थी, अब हमने 2600 करोड़ रुपए केवल इसी साल के बजट में दिए फ्री नलकूप में सिंचाई की योजना के लिए 2600 करोड़ रुपए केवल किसान को। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी हमारा अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहा है। 23 लाख हेक्टेयर भूमि को हम लोगों ने अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। ये सभी कार्य एक एक करके एक नए उसके साथ अन्नदाता किसान को समय पे उसका गन्ना मूल्य का भुगतान करवाना, उसकी उपज का MSP से अधिक दाम उपलब्ध करवाने का कार्य करना, सरकार इस लक्ष्य को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। और बहनों भाइयों, नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था भी आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 फरवरी को 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए शिलान्यास किया। इस 10.5 लाख करोड़ रुपए के शिलान्यास का मतलब 35 लाख नौजवान को सीधे सीधे नौकरी। हमारा नौजवान जो पहले बाहर जाता था, कनाडा जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाता था, यूरोप जाता था, मुंबई जाता था, सूरत जाता था, देश के अलग अलग भागों में जाता था, नौजवान अपने गांव में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में नौकरी पाएगा और अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदेश को देगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का भी सम्मान है। सबके पर्व और त्योहार बहुत अच्छे ढंग से, गुरु पर्व भी मनाया जा रहा है और तो साथ साथ होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सब शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग मना रहे हैं, खुशहाली है, हर व्यक्ति अपने मस्त है, अपने तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र है। सरकार उसको सुरक्षा देगी, सरकार उसको सुविधा देगी, यही सरकार का काम है, उसको सुरक्षा भी देना है और सुविधा भी देना है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, जनप्रतिनिधि विकास में रुचि लेकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसी सरकार जब होती है तो देश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है, नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। और आज उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ करके आए हैं, रामपुर को विकसित रामपुर के रूप में स्थापित करना है, मोदी जी के संकल्प के साथ जोड़ करके कार्य करना है। और उसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आज मैं रामपुर में आया हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी रामपुर में इसी संकल्प को जोड़ने के लिए आए हैं, मैं आपको फिर बोलने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, आप चिंता मत करिए, विकास भी हम देंगे, विरासत का सम्मान भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे, बस डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहिए। श्री घनश्याम सिंह लोधी ने, श्री बलदेव सिंह ओलख जी ने, श्रीमती राजबाला जी ने, श्री सक्सेना जी ने, श्री रफीक अंसारी जी ने, जिसने भी रामपुर के बारे में जो प्रस्ताव दिए, हमने उसको सिर आंखों पर बिठा करके आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। हर एक कार्य होंगे याद रखना, यहाँ का हर कार्य होगा जो मांग करेंगे यहाँ के विकास के लिए, उद्योग के लिए, अभी आपने देखा नए नए उद्योगों के लिए हमने अभी यहाँ पे पत्र जारी किए हैं, कोई 8000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 6000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। रामपुर भी अब आगे बढ़ेगा, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नई टाउनशिप स्कीम के साथ हम आगे आ रहे हैं, जेल को दूर शिफ्ट करेंगे और यहां पे बेहतरीन टाउनशिप दे करके पार्क देंगे, लोगों को घूमने की बेहतरीन सुविधा देंगे, आगे बढ़ाएंगे, हर प्रकार के लोगों की सुविधा देंगे, रामपुरी चाकू पे भी धार देंगे जो सबकी सुरक्षा के लिए काम भी कर सके और घर में सब्जी काटने का भी काम कर सके।
जब समृद्धि आएगी तो किसी के जेब में उसको काटने की नौबत क्यों कोई करेगा। हम उसको कार्य देंगे, उसके हाथ को रोजगार देंगे। और फिर वायलिन के स्वर यहां पर गूंजते हुए दिखाई देंगे रामपुर में। रामपुर घराना फिर से एक बार संगीत के घराने के रूप में रामपुर की पहचान को दुनिया के अंदर एक नई पहचान बना देगा। बहनों और भाइयों, आज उसी अभियान को जोड़ने के लिए हम सब आज रामपुर में आए हैं। यह सरकार विरासत का भी संरक्षण कर रही है, आपका विकास भी कर रही है। आपके नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा भी इस कार्यक्रम के पहले मुरादाबाद में थे। इसी मंडल में एक नया विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, एक यहां के लिए और एक मिर्जापुर के लिए। आप सोचो, पहले की सरकार विश्वविद्यालय भी नहीं बनाने देती थी। सरकार विश्वविद्यालय बनाए इसके लिए नहीं, गरीबों की जमीन को हड़प करके जबरदस्ती अपने नाम पे लोग जरूर बनाने का प्रयास करते थे। अब गरीबों की जमीन को कोई हड़पेगा नहीं। आज हमें कोई जमीन चाहिए होती है, हम बातचीत करते हैं, चार गुना मुआवजा देते हैं। किसी गरीब की जमीन पे जबरदस्ती हड़पने का काम नहीं करते। तो शिक्षा के लिए भी कार्य हो रहा है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, आप चिंता मत करिए। हर जनपद में 75 जनपद है, हमने अब तक प्रदेश के अंदर 39 जनपदों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 14 में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं और शेष अन्य जनपदों के लिए हमने पीपीपी बोर्ड पर भी अपने प्रस्ताव मांगे हैं। जहां कोई नहीं बनाएगा, वहां सरकार स्वयं मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, उद्योग के अनुकूल माहौल हो, सुरक्षा का बेहतर कानून का राज हो, सुशासन आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और सुशासन के उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और निष्ठ कार्य कर रही है। और इसीलिए तो आज देश भर से एक आवाज उठ रही है, एक स्वर है पूरे देश से, और वह है 2024 के लिए। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर उठ रहा है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? रामपुर के भाइयों बहनों, अपना आशीर्वाद देकर के बताइए कि आप लोग सहमत हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो बहनों और भाइयों, मोदी सरकार के लिए घनश्याम सिंह लोधी या उस सिंह भी होंगे, आशीर्वाद दीजिए। अभी तो उपचुनाव से आए हैं, एक कार्यकाल पूरा कर दीजिए। एक जोड़ी जो यहाँ पे है रामपुर की, ये रामपुर की जोड़ी यहाँ को हमारे सांसद, हमारे विधायक गण, ये सभी लोग मिलकर के रामपुर को विकसित रामपुर के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी प्राणपण से जुट करके काम कर देंगे। सभी लोग सहमत है ना? आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। विकास की इस प्रक्रिया में रुचि लेने के लिए आपका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। और आप सबको होली की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अंकित करे थे। परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार।